पहली तारीख को तो हजरत उमर दफन हुए, इसी महीने की पहली तारीख 26 जिलहिज्जा को हजरत को नेजा लगा, 29 जिलहिज्जा को हजरत दुनिया से रुखसत हुए, और यकुम मुहर्रम को हजरत की तदफीन वजूद में आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में। तो हमारा तो इस्लाम का पहला महीना बल्कि पहली तारीख ही कुर्बानियां बता रही है, हमारी तो पहली तारीख ही। किस पर साल मुबारक, किस पर साल मुबारक, ये कहां से ले आए साल मुबारक, किस पर, कौन सा मसला ऐसा साल मुबारक, क्या मेरे आका से साल मुबारक साबित है, क्या साहबे किराम से साल मुबारक साबित है, कहां से ये ले आए। जो काम नबी ने नहीं किया वो कतन हमारे लिए जायज नहीं हो सकता है। ये साल मुबारक का मसला कहां से ले आए। और याद रखो खतरा है जो गैर मुस्लिमों के उन दिनों के अंदर साल मुबारक कहते हैं। हमारे मुफ्ती अहमद साहब और बाज़ बुजुर्गों के अकवाल से मैंने सुना, फरमाया खतरा है कि अगर तुमने उनकी अजमत करते हुए कहा है तो कुफ्र का खतरा है उनके अय्याम। रह गया हमारे मुहर्रम का मसला, यकीनन मुहर्रम हमारा शुरू हुआ, लेकिन साल मुबारक का कहां से ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इसका कोई सबूत नहीं है। हमें वो काम करना है जो अल्लाह के हबीब ने किया, अल्लाह के नबी ने हमको बताया। मेरे भाइयों, हम क्या अपनी साल मुबारक को मनाएंगे जिसकी जिंदगी के इतने पत्ते झड़ चुके, इसका दरख्त खुशत होता जा रहा है।